हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट पोएट्री, शायरी, स्टोरी, म्यूजिक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जरा इत्मीनान से सुनना, मैं इंसानियत पर एतबार रखती हूँ। आज और किसी की नहीं, आज मजहबों की बात करती हूँ। छोटे से शब्द में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसकी गवाह है? किसी इंसान को उसके धर्म के मुताबिक बेदखल कर देना, क्या यही इंसानियत की वफा है? दोस्तों, गौर फरमाना, यूं तो अगर तो धर्मों के लोग बीच चौराहों पर तलवार लेकर लड़ जाएं तो भी मुसीबत, अगर तो धर्मों के लोग बीच चौराहों पर तलवार लेकर लड़ जाएं तो भी मुसीबत, और अगर वहीं दो धर्मों के लोग एक दूसरे से इश्क फरमा जाएं तो भी मुसीबत। दोस्तों, हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि हर धर्म के अपने अपने रिवाज, अपने अपने मिजाज होते हैं। पर मोहब्बतों के भी तो कहाँ लिबास होते हैं। हम अक्सर कहते हैं तेरा अल्लाह और मेरा राम। हम अक्सर कहते हैं तेरा अल्लाह और मेरा राम, क्या रखा है इन बातों में? चांद तो शायद सबके लिए एक ही निकलता है ना खूबसूरत रातों में। तेरा धर्म कुछ और, मेरा धर्म कुछ और। तेरा धर्म कुछ और, मेरा धर्म कुछ और। तेरी मस्जिद वहां तो मेरा मंदिर यहाँ। इन मजहबों और धर्मों के खेलों में हजारों सवाल उठ जाते हैं, पर शायद कभी कभी बीच बाजारों में इन सबके बीच इंसानियत बिक जाती है। दोस्तों, पता है हर दिन हमारी खुशी अधूरी है। क्योंकि त्योहारों और खुशियों को इकट्ठा मनाने के लिए जिसे आज तक देखा नहीं उसका मिलना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना एक ऐसा दिन आ जाए जो सिर्फ वो इंसानियत के नाम, उस दिन तू अपना अल्लाह भूल जाए और मैं अपना राम। उस दिन सिर्फ एक ही हो हमें काम, मैं तेरी खुशियों के कागज लिख जाऊं और तू पी जाए मेरे दर्दों के जाम। फिर उस दिन के बाद अगर हमसे कोई पूछे हमारा मजहब, तो हम इंसानियत ही बता जाए अपना राम। शुक्रिया।